सो गाइस, आप प्रेग्नेंट कैसे होंगे? अगर आपकी ओवरी सही नहीं है, उसमें बहुत सारा कचरा जो भर चुका है, सिस्ट जो बन चुके हैं, जब तक वो क्लीन नहीं होंगे आप प्रेग्नेंट कैसे हो पाओगे? अगर मान लीजिए आपके मुंह में एक रसगुल्ला रखा है ना, आपको उसे घुट अंदर लेना भी नहीं है, बस मुंह में रखना है और दूसरा रसगुल्ला उसके ऊपर रखना है, तो आप रख पाओगे? नहीं ना। वैसे ही हमारा ओवरीज है, जो हमारे सिस्ट है, वो एक कचड़ा है, उसमें वो कचड़े को पहले हमें साफ करना है, उसके बाद ही हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, पहले तो आपने मेरे थंबनेल को देख के आए होंगे, जरूर सी बात है ना। कोई भी वीडियो को हम क्लिक करते हैं थंबनेल के जरिए, ठीक है। मैं एक किसी ने मुझे वीडियो में कमेंट किया था कि दी आप खुद से बात कर रहे हो क्या? तो नहीं डियर, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मेरा स्पीकर मेरे पास नहीं है और मेरी लाउड आवाज़ इतनी लाउड नहीं है कि मैं थोड़ा और ज़ोर से बोलूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम अप कर लीजिएगा और मेरे से जितना हो सके मैं उतनी तेज़ी से बोलने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो गाइस, आज की वीडियो है मेरी गायनोवेद्य से रिलेटेड, फिर से वीडियो है और बहुत सारे आपके जो कमेंट आते हैं तो मैं रह नहीं पाती वीडियो बनाए बिना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो वीडियो के थ्रू ही मैं आपको बताऊँ और वीडियो के थ्रू ही शायद आपको जल्दी समझ आएगा हर चीज़। तो चलिए बिना कोई देरी के मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ, है ना। तो गाइस, पहले कमेंट किसी ने मुझे ऐसे कमेंट किया था, कल ही कमेंट किया था, मैंने कल ही देखा उसे, तो उन्हें बोला कि शायद उन्हें या तो पता नहीं होगा कि किस चीज़ के लिए गायनोवेदा काम करता है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो डियर, बहुत सारे चीज़ों के लिए गायनोवेदा काम करता है, पिगमेंटेशन के लिए काम करता है, आपके हेयर और डाइजेशन सिस्टम भी है शायद उसमें, और PCOD PCOS सब के लिए गायनोवेदा काम करता है। तो वो टैबलेट जिसका आपने मेरी वीडियो देखी, वो थी गायनोवेदा की साइड से ली थी मैंने, PCOD के लिए, मतलब वो थी आपके पीरियड्स जब इरेगुलर हो जाते हैं तो उसके लिए, आपके PCOD ठीक करने के लिए, है ना। और सेकंड, मुझे बहुत सारे कमेंट इतने भर भर के यही कमेंट आता है कि दी क्या हम इस दवाई से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपकी कन्फ्यूज़न ये दूर कर दूँ, अगर आपको PCOD है, ठीक है, अगर आपको PCOD PCOS कुछ भी है, तो जब तक आपके जो सिस्ट हैं जो वो बनने बंद नहीं होते, तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, है ना। चाहे उसके लिए आप कितना भी दवाई लिखा लो, कितनी मर्जी जो भी कर लो, ट्रीटमेंट कर लो उसका एक प्रॉपर, तो पहले आपको अपना PCOD PCOS ठीक करना होगा प्रॉपर, उसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गायनोवेदा लो, इससे आपका PCOD PCOS ठीक हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है, बहुत सारे लोगों का मेरे जैसे जो है नहीं ठीक हुआ है। मेरी बॉडी, मुझे पता है मेरी बॉडी किस हिसाब से है, वो गायनोवेदा वाली टेबलेट उसने नहीं काम की तो मैंने लेनी छोड़ दी, है ना। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से पहले अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए, आपकी जो डॉक्टर है उसे सजेस्ट कीजिए कि मुझे ये दवाई लेनी है, क्या मैं इन्हें लूँ, है ना। चाहे गायनोवेदा लीजिए आप, चाहे आपकी डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करे, चाहे वो दवाई लीजिए, पर आप लीजिएगा ज़रूर अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। क्योंकि बहुत सारी, मुझे लगता है कि जो भी लेडीज़ खासकर मेरी वीडियो देखती है तो वो प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड पूछती हैं कि दी मैं प्रेग्नेंट हो पाऊँगी, दी मेरा ये ऐसा है, मुझे इतने टाइम मेरी शादी को हो गया, क्या मैं इस दवाई से मेरा ठीक होगा। तो मुझे नहीं पता, मैं 100% आपको श्योर नहीं कह सकती कि ये दवाई से आप ठीक हो पाओगे या ये दवाई लेने से आप शायद आप ठीक हो जाओ, है ना। 50-50 चांसेस हैं कि आप गायनोवेदा की टेबलेट ले रहे हो ठीक हो जाओगे। 50 चांसेस में होता है कि आप टेबलेट ले रहे हो डेली मर्रा की, लेकिन अगर आपने डाइट एक्सरसाइज और अपना रूटीन सही नहीं किया, तो चाहे आप गायनोवेदा दो, चाहे आपके डॉक्टर जो दवाइयाँ ले रही हैं वो लो, चाहे आपको कोई थर्ड पर्सन आपको कह रहा है वो दवाइयाँ लो, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने गायनोवेदा लिया, डाइट पे ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज मैंने की, डाइट पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सच बताऊँ तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, उनका कमेंट मुझे बिल्कुल सही लगा, तो उन्होंने बोला कि आपने शायद डाइट अपनी सही नहीं ली होगी, इसलिए आपके मुंह पे एक्ने वगैरह जो भी था वो बहुत, मैंने वीडियो बनाई उसकी वो शॉर्ट आउट हो गई थी, है ना। तो अगर आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं की, आपने बॉडी पूरी लैंग्वेज को ध्यान में नहीं रखा, अपना रूटीन आपने सही नहीं किया, तो आप कोई भी दवाई लो, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आप होम्योपैथिक लो, आयुर्वेद होम्योपैथिक लो, चाहे एलोपैथिक लो, आप जड़ी बूटियों वाला ले लो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप अपनी डाइट और अपना एक्सरसाइज और अपना रूटीन और
जो भी हमारा सारा शरीर का सिस्टम है आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे, कुछ ठीक नहीं होने वाला। सच बता रही हूँ, मुझे एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मैं अपना रूटीन बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया है। सिर्फ मैं दिन में एक टाइम खाती हूँ, सुबह शाम को मैं सुबह सैलेड फ्रूट लेती हूँ, दिन में मैं एक टाइम अनाज लेती हूँ, सिर्फ एक टाइम। जिसे PCOD PCOS है वो रोटियाँ कम कर दें, है ना, अनाज उन्हें बहुत कम लेना है, थोड़ा सा रोटी ले लें, एक रो दो रोटी की भूख है एक रोटी लें, उसके बाद आप सैलेड भर भर के लें। सैलेड आप बहुत सारा लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो स्टमक है वो काम करना शुरू करेगा, क्योंकि हमने इसमें इतना कचरा भर दिया है अपने स्टमक के अंदर जंक फूड से और बाहर की चीज़ें जो बंद डब्बे वाले खाने से, हमने इतना ज़्यादा इसे हमने ख़राब कर दिया है कि अब हमारा स्टमक बिल्कुल उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी सबसे, मैं अपने आप से भी खुद यही कह रही हूँ कि बस पहले हमें अपने स्वास्थ्य का, जब हेल्थ इज़ वेल्थ, अपने सबने सुना होगा कि हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए पहले सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपना अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिए, और जिन्हें PCOD PCOS है वो मैं कहना चाहूँगी स्ट्रेस, एक तो उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना, योगा एक्सरसाइज जो मर्जी, आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, जैसे मर्जी करो लेकिन करो। डाइट प्रॉपर, अपना रूटीन 7 से 8 घंटे की नींद, और प्रॉपर अपना शेड्यूल बना लीजिए, जैसे जो बेबी बच्चे वाले हैं जिनके कि हम थोड़ा बिजी रहते हैं, जैसे मैं भी, मेरी भी एक छोटी बेटी है 2.5 साल की, वो भी स्कूल जाती है, मैं भी उसके साथ पूरा दिन भर मेरा बिजी रहता है, मैं टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती अपने लिए, इसीलिए शायद मेरा PCOD मुझे लगता है बढ़ गया है। तो मैंने सोचा कि उसके दौरान जिस टाइम वो स्कूल जाती है, जिस टाइम वो सोई रहती है, उस टाइम मैं अपना सारा काम करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, अपना पूरा घर का भी काम करती हूँ, हेन तेन जितना मुझे हो पाता है मैं सारा कुछ करती हूँ, है ना। तो पहले आप एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। सच बता रही हूँ, 1.5 हफ्ते से मैंने अपना रूटीन इतना चेंज कर दिया है कि अब मुझे लगता है कि सब कुछ, जब से मैं जब मैं हमारे अंदर सही होगा ना तो बाहर भी अपने आप सही होने लगेगा, है ना। हमारा स्टमक सही होगा, हमारी हेल्थ सही हो जाएगी, उसके बाद हमारी स्किन सही हो जाएगी, उसके बाद हमारी पूरा एक पूरा दिन भर का रूटीन ही पूरा चेंज हो जाएगा। सच में यकीन मानिए कि एक आपको अलग ही एनर्जी लेवल। और सो गाइस, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि एक मैंने छोटा सा टिप अभी अपने आप पे शुरू किया है लेना, तो अगर मुझे उसके बेनिफिट लगे तो मैं आपको ज़रूर उस टिप को शेयर करूँगी। और सो गाइस, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप अपना रूटीन, अपना डेली एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें हैं वो जब तक सही नहीं करोगे ना, आपका PCOD नहीं हो सकता, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी हमारे हार्मोन्स काम करते हैं हमारी बॉडी एक्टिव होती है, क्योंकि आजकल जो है बैठे बैठे वाला काम है सब कुछ, ऑफिस वाला है, घर वाला है, हमने घर पे, हम घर पे रह रहे हैं, हमने क्या किया, मेड लगा दी, हम ये अपने बच्चों के लाने के लिए हमने बसें लगा दी, उन्हें ले जाने जा नहीं रहे, हमारा घर पे क्या, खड़े खड़े हमने खाना बनाया, हमने थोड़ी देर टीवी देखा, हमने ये किया वो किया, वो हमारा सब खड़े खड़े एक्टिविटी है, उसमें कुछ हमारा बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम वॉक नहीं करेंगे, जब तक हम साइकिलिंग नहीं करेंगे। जिनमें PCOD है मेन, साइकिलिंग कीजिए, सूर्य नमस्कार वाला पोज कीजिए, मैंने उसके लिए हेल्दी वाली वीडियो अलग से बना रखी है, आप ज़रूर उसे देख लीजिए उसे एक बार। और बटरफ्लाई सबसे बेटर है, बटरफ्लाई वाला, और सूर्य नमस्कार अगर आप ऐसे अपने पेल्विक एरिया में बैठते हो वो सबसे बेस्ट है, जिसे PCOD है, गैस है, और जिसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही असरदार, कामयाब है ना। तो मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ, सो गाइस इसीलिए मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मैं भी जो ट्राई कर रही हूँ मैं वही आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ गाइस, जब तक आपका PCOD ठीक नहीं होगा तब तक आप प्रेग्नेंट कैसे होंगे, जब तक आपकी गंदगी, अंदर की जो गंदगी है, जो आपके ओवरीज में जम चुकी है गंदगी, वो जब तक साफ़ नहीं होगी, कोई दूसरा, आप मान लो आपके मुंह में किसी ने रसगुल्ला रखा है, ठीक है, जब तक आप उसे अंदर लोगे नहीं वो तो वहीं जमा रहेगा ना, दूसरा रसगुल्ला आप कैसे खा पाओगे। तो वही हमारे स्टमक का हाल है, तो जब तक आप अपना स्टमक क्लीन नहीं करोगे, जब तक वो रसगुल्ले आप अंदर नहीं लोगे, तब तक आप दूसरा रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो इसीलिए कहते हैं पहले अपना स्टमक क्लीन कीजिए, अपना ओवरीज सही कीजिए, उसके बाद ही आप आगे का कोई प्लान कीजिएगा, है ना। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।